पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली तवाघाट सोबला सड़क से गुजरना मौत को दावत देने से कम नहीं है। सामरिक नजरिए से अहम इस रोड पर जगह जगह भारी बोल्डर गिरे पड़े हैं। तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिरे पड़े हैं यहाँ पर। यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ से गुजरता है। बीते एक महीने से ये सड़क जो है वो बंद है। करीब 50,000 की आबादी के साथ ही सुरक्षा बलों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा के कारण पिछले एक माह से तवाघाट सोबला, सोबला दारमा सिपू और पंचोटी सिरका नारायण आश्रम गर्भाधार और तांगुल गर्भाधार सिमखोला और कालिका खुमती की मोटर मार्ग विगत एक माह से बंद है। सहयोगी मयंक जोशी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मयंक, एक महीने का वक्त बीत चुका, सड़क अभी तक खुल नहीं पाई है, बोल्डर लगातार गिर रहे हैं, गिरने का सिलसिला बंद भी नहीं हुआ है। जी निश्चित तौर पर जो एक महीने से यहाँ पे लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि ये सड़क को खोला जाए, लेकिन बीआरओ द्वारा इस सड़क को अभी तक नहीं खोला जा सका है। और साथ ही जो बारिश आ रही है उसके चलते मार्ग लगातार यहाँ पे खतरे का गवाह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। और ऐसे में जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, इसके साथ ही जो बॉर्डर पर तैनात सेना के जवान हैं, वो यहाँ पे अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ पे लोग यहाँ पे सफर करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार पिछले एक महीने से लगातार फरियाद लगाई जा रही है, लेकिन बीआरओ यहाँ पे बजट की कमी का रोना रो रहा है। उसकी प्राथमिकता में फिलहाल अभी ये मार्ग नहीं है, और क्योंकि यहाँ बजट इसके लिए अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिस कारण इसको अभी नहीं खोला जा सका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मयंक तमाम जानकारी के लिए।